हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय सेकंड व्लॉग। आज हम आपको मेघालय घुमाने वाले हैं। आपको ले चलते हैं सबसे पहले न्यू कैंपस। ये न्यू कैंपस का वॉकिंग ट्रैक है जो मैं अपने ताऊजी के साथ वॉक कर रहा हूँ, और आप नज़ारा देख ही सकते हैं कि कितना प्यारा व्यू है आसपास का। माउंटेन्स की लाइफ थोड़ी टफ जरूर होती है, पर लोग यहाँ फिट रहते हैं क्योंकि यहाँ का जो डेली रूटीन है बहुत हार्ड है, बहुत ट्रैवल करना पड़ता है बाय फुट। आप मेरे पीछे का व्यू देख सकते हैं कितना सुंदर है, और ये घर मेरे ताऊजी का है जहाँ ताऊजी रहते हैं न्यू कैंपस के अंदर। अब चलते हैं शिलोंग से चेरापुंजी घूमने। पहली डेस्टिनेशन रहेगी हमारी मॉन्गटॉक वैली। आप मॉन्गटॉक वैली का व्यू देख ही रहे हैं, कितना प्यारा व्यू है। यहाँ जो माउंटेन्स का सिक्वेंस है ना, वो बहुत ही मन मोह लेता है। आप जाइए एक बार देखिए कि कितना सुंदर जगह है ये वैली, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। मैं आप सबको एडवाइस करूँगा, जब भी आप चेरापुंजी मेघालय शिलोंग घूमने जाएँ तो इस वैली को देखने जरूर जाएं। ये हमारी सेकंड डेस्टिनेशन है जिसका नाम रॉकेलकाई फॉल्स है। ये ईस्ट खासी हिल्स में पड़ता है, और आप इसका व्यू देखिए ना, कितना प्यारा व्यू है। इस वाटरफॉल की हाइट 340 मीटर्स है। इसे सिंगल ड्रॉप वाटरफॉल कहते हैं। इसका व्यू भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, जैसे कि आप सब देख सकते हैं। ये थर्ड डेस्टिनेशन है मौसमाई केव। ये इंडिया वन ऑफ द लॉन्गेस्ट केव है। इसकी लेंथ 150 मीटर है, और ये डार्केस्ट केव में से एक है। अंदर भी देखना बहुत ही मुश्किल होता है, काफ़ी अंधेरा रहता है अंदर, पर इसका नज़ारा भी काफ़ी अच्छा है। ये तीनों डेस्टिनेशन हमारी ईस्ट खासी हिल में ही पड़ती है। ये थी हमारी मौसमाई केव। हमारी जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो एक पिलर रॉक है। पिलर रॉक मतलब एक कंप्लीट माउंटेन है सिंगल पीस की, जिसका नाम है काकोर रमा। ये पिलर रॉक की हमारी ईस्ट खासी हिल में ही आता है। ये पिलर रॉक सदियों से अपनी जगह पे ऐसी मजबूती से स्थिर है, इसकी खूबसूरती देख के टूरिस्ट अपने आप ही खींचे चले जाते हैं। अगर मौसम साफ है या आपकी किस्मत अच्छी है तो आपको बांग्लादेश का बॉर्डर भी देखने मिल जाता है। ये थी हमारी मेघालय यात्रा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।